बिटकॉइंस है क्या, कैसे खरीदें और खरीदने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट मिलता है और एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है। सो वेलकम बैक गाइज आपके अपने चैनल मार्बल फैक्ट 000 में। बिटकॉइंस एक फिजिकल मनी ना होकर ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है, ना ही इसको हम देख सकते और ना ही टच कर सकते। हर कंट्री की अपनी अपनी एक फिजिकल करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपीस जिस पर RBI का कंट्रोल होता है, अमेरिका की डॉलर, रूस की रूबल और यूरोप की पाउंड। इन सब फिजिकल मनीस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जिसके अंडर ये काम करते हैं, मगर बिटकॉइन सबसे अलग होते हैं क्योंकि इन पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रिक मनी है, इसमें फिजिकल कॉइन एक्सचेंज नहीं होते। जो कॉइन की वैल्यू होती है वो दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दी जाती है। बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट है। बिटकॉइंस के साथ साथ कई सारी करेंसियां चलाई गई थी मगर वो सारी फ्लॉप हो गई और बिटकॉइंस का शेयर सबसे ज्यादा ऊपर चला गया। अगर हम बात करें बेसिकली बिटकॉइंस का इन्वेंट क्यों किया गया, बेसिकली जो बीच के ब्रोकर्स होते थे वो पैसा ट्रांसफर करने पर अच्छा खासा अमाउंट अपने पास रखते थे। हर देश की हर गवर्नमेंट की अलग अलग नीतियां थी पैसों को लेकर, इसलिए बिजनेसमैनों को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता था। इसलिए मार्केट में ऐसी करेंसी की जरूरत पड़ी जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो और सारा प्रॉफिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हो। बिटकॉइंस का इन्वेंट संतोषी नागामोटो ने किया January 2009 में। नागामोटो ने जब बिटकॉइन का इन्वेंट किया तब सिंगल बिटकॉइन की वैल्यू 0.03 थी। सो गाइस अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में बिटकॉइन की वैल्यू मतलब 2021 में, तो गाइस बिटकॉइन की वैल्यू 15 लाख तक पहुंच चुकी है। बिटकॉइंस की वैल्यू कोई परमानेंट वैल्यू नहीं होती, डेली बेसिस पे इसकी वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहती है। सो गाइस अभी तो वीडियो शूट ही हो रही है, गाइस वीडियो को अपलोड करने से पहले ही बिटकॉइंस की वैल्यू 2-3 बार फ्लैक्चुएट हो चुकी होगी। आपको अब तो समझ आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइंस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि बिटकॉइंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हमारे फ्यूचर ऑफ गैजेट मतलब एलन मस्क ने भी बिटकॉइंस में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है। अडानी, अंबानी और जेफ बेजोस जैसे कई करोड़पतियों ने बिटकॉइंस में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अब तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बिटकॉइंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मगर गाइस बिटकॉइंस में पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गूगल पे जेफ प्ले नाम से एक वेबसाइट है जिस पर से जेफ प्ले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन इन करना पड़ेगा। और गाइस इसके साथ साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। ये सब करने के बाद ही 24 आवर में गाइस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट के ओपन होते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिटकॉइंस को परचेस करने का किसी भी करेंसी में। गाइस अगर आप चाहते हो बिटकॉइंस को लंबे टाइम तक स्टोर करना, तो गाइस आप स्टोर कर सकते हो जिससे आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा। और गाइस अगर आपके पर्सनल रीजन या कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको बिटकॉइंस बेचना हो, तो गाइस इसको सिंपली आप बेच सकते हो। बिटकॉइन से शॉपिंग भी करते हैं और बिल को भी पे किया जाता है। वर्ल्ड की अधिकतर नेशनल बैंकें बिटकॉइंस को एक सख्ती नजर से देखती थी। टाइम के साथ साथ सब बैंकों को बिटकॉइंस की वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझ आ गई। 2019 और 2020 में बिटकॉइंस इंडिया में बैन थे, मगर गाइस कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट आया है जिसमें बिटकॉइंस को लीगल कर दिया गया है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को रेगुलर वॉच तो करते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।